नमस्कार दोस्तों, इंजीनियरिंग का एक अजूब नमूना जो विश्व में ही न केवल विश्व में प्रसिद्ध होगा बल्कि एक भारत का एक धरोहर के रूप में जाना जाएगा। मैं आज आपको विश्व का एक आर्च बेस्ड रेलवे ब्रिज को दिखाने जा रहा हूँ जो विश्व में सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने का अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेगा। और आपको बता दूं इसकी जो ऊंचाई नदी के तल से फ्रॉम टॉप ऑफ द रिवर बेड अप टू डेक लेवल इसका जो हाइट है 359 मीटर है। और यह अभी आर्च बन के तैयार है। जैसे ही आपको ये आर्च का शेप कंप्लीटेड शेप आपको आप जब देखेंगे और आपको ये अपनी ओर परमानेंटली देखने के लिए आकर्षित करेगा। ये बहुत ही नायाब और बहुत ही सुंदर और आकर्षित एक इंजीनियरिंग नमूना जो भारत में बनकर तैयार है। चिनाब ब्रिज के नाम से जाना जाता है और ये चिनाब नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। और एक और बकल गांव है तो दूसरी ओर कौरी गांव है। आपको बता दूं कौरी से बकल जाने के लिए और बकल के लोगों को कौरी आने के लिए अगर आप देख पा रहे हैं ऊपर का ये रास्ता जो पहाड़ों में काफ़ी घुमावदार रास्ता है, काफ़ी जिगजैग रोड है। इस घुमावदार रास्ते के द्वारा जो है आपको दूर में एक पहाड़ी दिखाई देगी, वहाँ पे एक सुरंग है, टनल है। वो टनल को क्रॉस करता हुआ वापिस ये सलाल होते हुए और फिर नीचे चिनाब नदी के तलहटी पर उतरता हुआ वहाँ पे एक पुल है, कंथान ब्रिज। वो क्रॉस करते हुए फिर पुनः इधर कौरी आना पड़ता है। सिमिलरली जब कभी भी कौरी के लोग उनको बकल जाना होगा उनको भी इसी रास्ते के द्वारा जो है नीचे कंथान ब्रिज, फिर उसके बाद सलाल गांव के और पहाड़ी को क्रॉस करता हुआ वहाँ से जो टनल है टनल को क्रॉस करता हुआ फिर पुनः उनको बकल जाना पहुँचना पड़ता है। जिनको कौरी के लोगों को बकल पहुंचने के लिए और बकल के लोगों को कौरी पहुंचने के लिए लगभग 1.5 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है। जब ये पुल बन के तैयार है और इसको जो राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा, इसको जब उद्घाटन किया जाएगा उसके बाद लोगों के लिए भी आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा जो कि 10 मिनट में पुल पार किया जा सके। पुल बनाने के लिए पायलनों का यूज किया गया है। ये भी एक विश्व में सबसे ऊंचे पायलन होने का दर्जा कायम है। सच में इन खूबसूरत जम्मू कश्मीर की खूबसूरत पहाड़ियां और ऊपर से त्रिकुटा पहाड़ियाँ जो देखने अपने आप में काफ़ी सुंदर और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये हरियाली और इनके तलहटी बॉटम में जो है चिनाब नदी कलकल बहता हुआ और ये नदी पूरे जम्मू कश्मीर को सिंचाई करते हुए जम्मू से होकर पाकिस्तान के सतलुज नदी में जाके मिलती है।
न केवल पानी बल्कि यहाँ के लोगों को और जिन जिन रस्तों से नदी पार करती हुई निकलती है वहाँ के लोगों को काफ़ी रोजगार और साथ में काफ़ी उर्वरक खाद को भी अपने साथ बहा के ले आती है। और इस चिनाब नदी के ऊपर कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि भारत में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का सोर्स जो है चिनाब नदी ही बनेगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये इंजीनियरिंग का नायाब नमूना जो चिनाब ब्रिज है, इस ब्रिज तक पहुंचने के लिए आपको कटरा जो कि सभी को मालूम है, कटरा में श्री माता वैष्णो रानी विराजमान है, तो ये अपने आप में एक विश्व प्रसिद्ध एक मंदिर है। तो यस, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से चिनाब ब्रिज तक पहुंचने के लिए 2 घंटे का रास्ता आपको गाड़ी में तय करना पड़ेगा। जो यहां तक पहुंचने का जो अप्रोच रोड है लगभग कंडीशन अच्छा ही है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आप सभी चैनल व्यूअर्स और दूसरे YouTube चैनल को जो देखते हैं उन सभी से आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब कभी भी जम्मू कश्मीर की आपको यात्रा करनी हो और श्री माता वैष्णो देवी धाम में जब कभी आप दर्शन करने के लिए आना हो तो ज़रूर 1 से 2 घंटा और 3 घंटे का समय निकालकर एक ये जो इंजीनियरिंग मार्बल है और हमारा देश का एक राष्ट्रीय गौरव है, इस गौरव को ज़रूर देखिएगा। जय माता दी। और इस वीडियो में साथ में मैं ये चिनाब ब्रिज तक कैसे पहुंचा जा सकता है रास्ता और ये चिनाब नदी को क्रॉस करते हुए और आसपास के रोड का भी सारा नज़ारा इस वीडियो में मैंने संलग्न किया है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मैं अपने वीडियो में जो भी क्वालिटी में कमी है उस क्वालिटी को सुधार सकूं और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपको ऐसे ही नया नया वीडियो आप सभी को मैं समय समय पर दिखा सकूं। सच में पहाड़ों में यात्रा करना और काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ ना तो कोई प्रदूषण है, मतलब ना कोई नॉइज़ पोल्यूशन है, ना कोई एयर पोल्यूशन है और बहुत ही रमणीय सुंदर वातावरण, बहुत ही शांत और एकांत। इसीलिए कहते हैं ना कि इन पहाड़ों में वो जो एंशेंट एज है उसमें बड़े बड़े साधु महात्मा आके तपस्या करते थे ताकि उनके तपस्या भंग न हो। और सच में इन जगहों को जब कभी भी आप यात्रा करेंगे, जब कभी आपको आने का मौका मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग दुनिया में पहुंच चुके हैं और यहाँ आपको एक अलग सा आनंद का फीलिंग होगा। आपको सुनाई पड़ रहा है अलग अलग पंछियाँ अपने जो दिनचर्या की ओर बढ़ते हुए अलग अलग आवाज़ निकालते हुए अपने खाने की खोज में, तो कोई अपने साथियों की खोज में और एक आपस में प्यार भरी बातें करते हुए।